या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और इस वक्त मैं खड़ा हूं सागरपुर के सब्जी मंडी में, जहां पूर्वांचल भोजपुरी दुर्गा पूजा, छठ पूजा एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए, यहां के महंत से हम जानना चाहते हैं, सर आप इस भंडारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम वासुदेव शास्त्री है, मैं बिहार से हूँ। जब मैंने छोटा था तो पिताजी के साथ आता था यहाँ पे, तो देखा कि यहाँ पे लोग इतने ढंग से पूजा करा रहे हैं, तो मैं भी आया, उनके साथ पूजा किया और यहाँ के भंडारे और यहाँ के लोगों को ऐसे में देखा, इतने उत्थान, धर्म के उत्थान को देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इन लोगों को सेवा दूं और ऐसी सेवा का मुझे मौका मिले, और ये लोग इतनी मतलब श्रद्धा है पूजा में कि मैं इन लोगों को देख करके पूजन कराता हूं और अच्छी ढंग से कराता हूं, और सोचता हूं कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं इन लोगों के साथ रहूँगा और इन लोगों के भंडारे में या पूजन में आ करके मैं पूजा नॉन स्टॉप कराता रहूँगा। अभी हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 32 एस के निगम पार्षद पूनम जिंदल, आइए हम उनसे इस भंडारा के बारे में जानते हैं। मैम, आप इस भंडारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो ये पूर्वांचल समिति जो हमारे यहाँ गठित है 28 वर्षों से, इस पूरी समिति को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और दुर्गा पूजा की, जो इन्होंने इतना विशाल भंडारा करा और इसका आयोजन करा, इस पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें विशेष सहयोग हमारे भाई राकेश जी का रहता है, अध्यक्ष अमर सिंह जी का रहता है, इनको भी मैं आभार देना चाहूँगी, क्योंकि जब हमारे पास नींव मजबूत होती है, और वो नींव मुझे दिख रही है अमर सिंह जी की, जब हमारे पास किसी पेड़ की नींव मजबूत होगी तो वृक्ष अपने आप मजबूत होएगा, और ये वृक्ष वट वृक्ष का रूप धारण जो इस भंडारे ने कर रखा है, ये 11 बजे से शुरू होकर रात्रि तक लगातार निरंतर चलता रहता है। तो मैम, आप यहाँ हर वर्ष आती हैं? हाँ जी, भंडारा घाट के जाती भी थी। तो हर साल की भांति इस साल आपको क्या चेंजेज आ रहे हैं इस भंडारे में? इसमें इन्होंने विशाल रूप रख रखा है, इन्होंने ये तो और विशाल इतनी प्रतिमा माँ की रख रखी है, और नए नए भाई इन्होंने जो जोड़े हैं उनके लिए भी आभार प्रकट करती हूँ, कि जब हम नए लोगों को जोड़ते हैं, नए व्यक्ति, नई सोच, और इस टीम में विशेषकर जो ये युवा है, ये जो पीली टी शर्ट है, ये एक अलग ही इनकी पहचान है। मैं तो ये थे हमारे निगम पार्षद पूनम जिंदल जी, जिन्होंने इस विशाल भंडारे के बारे में अपनी बातें रखी। और आइए जानते हैं यहाँ के महासचिव, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार जी। सर, आपका क्या कहना है यहाँ इस बार की भंडारे, पहली बार की अपेक्षा कैसा रहा है? इस बार तो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार अपने संस्था को रजिस्टर्ड कराया है और बहुत भव्य तरीके से स्वागत भी किया है, और हर जितने भी हमारे साथी हैं और मित्र हैं, सबकी सहयोग से हम लोग इस बार बहुत अच्छी तरह से इस भंडारे को कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि, और माता का पंडाल भी बहुत बढ़िया है। तो इसका आयोजन पिछले कितने सालों से होता आ रहा है? 28 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली बिहार से रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में आके दुर्गा पूजा का बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं, और इस बार भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, संस्थापक से हम बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर अमर सिंह वर्मा है। सर, आप इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस भंडारे के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये दिल्ली में सबसे मशहूर भंडारा होता है, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं बड़े लगन से काम करते हैं, और हमारे जितने दान देने वाले हैं कमी नहीं है, खूब खुल के दान आता है। सर, उधर देखिए, ये हम कभी भी जो है ना अपने पास से नहीं करते, ये सब हमारे जो है ना श्रद्धालु दान देते हैं और इस भंडारे को चलाते हैं। और अब हम अजीत सिंह वर्मा जो इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, इस भंडारे के बारे में कुछ अपना राय देना चाहेंगे? हम ये देना चाहेंगे, हम ये चाहते हैं कि माई हमें ऐसे ही मौका देती रहे और हम ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। अभी हम हमारे साथ इस समिति के अध्यक्ष राकेश जी हैं, आइए हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। सर, आप इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि
यहाँ की निगम पार्षद पूनम जिंदल जी ने बताया आपको कि यहाँ इस क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं और इस परंपरा को दुर्गा पूजा छठ पूजा जो है यहाँ 28 साल से होता रहा है। तो आज तक ये समिति रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, तो इस समिति में जब हम लोगों ने पहल किया और विधायक जी का निगम पार्षद जी का सहयोग रहा तो ये समिति रजिस्टर्ड हुई और इसमें पूनम बहन जी का भी योगदान रहा। और मैं कहूँगा कि संस्था को जैसे रजिस्टर्ड हुआ, इस बार हमने अपने स्तर से लोगों के सहयोग से इतना तक किया है और आगे इन लोगों का अच्छा सहयोग रहेगा। तो मेरा विचार से कि 70 विधानसभा में द्वारका पहले नंबर पर आएगा, जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि CM से लेके PM से लेके सभी गणमान्य व्यक्ति जैसे देखने जाते हैं, रामलीला दुर्गा पूजा देखने जाते हैं बड़े बड़े पंडालों में, तो हम उस स्तर का इसको लेके जाना चाहते हैं, उसमें से सबका सहयोग जो है, क्योंकि हम किसी को भेदभाव नहीं करते, ये माँ का दरबार है, माँ के द्वार में सब सादर आमंत्रित है। सर आप इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भंडारा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इस भंडारे को देख कर ही मैं इस यहाँ जुड़ा हूँ और बहुत इन लोगों की जितनी मेहनत होती है ना, उस मेहनत को मतलब शब्दों से सराहा नहीं जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस माता के भंडारा में कितने सारे भक्त जनों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और करने जा रहे हैं, तो आइए इस भक्त गण से जानना चाहते हैं। सर आपको प्रसाद ग्रहण करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप कुछ राय देना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में खाने के बाद? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। आपको माता के दरबार में आकर कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हुई, अच्छा प्रसाद लग रहा है। तो यहाँ सभी भक्तगण जितने भी आए हुए हैं सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ सभी खुश हैं और चाहते हैं कि हर साल इस तरह की भंडारा का आयोजन हो और माता की कृपा हम सब पे बरसी रहे। मैं राहुल झा, कैमरामैन रोशन झा के साथ डेली न्यूज ऑनलाइन। दिल्ली हो या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हरदम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ।